स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स। इस क्लास में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, कर्व्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किस प्रकार के होते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन्स चार टाइप के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलते हैं, एक क्लोज शेप जिसकी जो साइड्स हैं वो तीन या तीन से ज्यादा हो, उसको हम पॉलीगन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। इफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज नॉन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर कोई क्लोज शेप है और वो तीन या तीन से ज्यादा साइड से बनी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। और कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलेंगे कि कोई एक क्लोज शेप है उसके कोई भी एंगल, ईच एंगल मतलब कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से कम है, मतलब उसका ईच मतलब प्रत्येक, जैसे ये वाला, ये वाला, ये और ये सारे क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। कोई भी एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 180 डिग्री से ज्यादा जा रहा हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए ईच एंगल, हर एंगल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे एग्जांपल में है, ये कोई शेप बनी हुई है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। और 180 डिग्री के एंगल कैसे बनते हैं, लीनियर बनते हैं इस टाइप से। ये क्या होता है 180 डिग्री, तो ये इसमें भी नहीं बन रहा, मतलब ये जो हमने शेप ली है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों है, क्योंकि इसके जो ईच एंगल्स है, हर एंगल जो है उसका जब हम मेजर करेंगे तो 180 डिग्री से कम का आएगा। इसमें भी ऐसा ही है, इसके जो एंगल्स है इस तरह बन रहे हैं, या तो 90 डिग्री के या फिर 90 डिग्री से कम। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा जा रहा है तो भी क्या आएगा, इसी में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो लिमिट लेनी है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से जो कम का होगा वही क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। और 180 डिग्री कैसे बनता है, लीनियर, एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है, तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन के। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ पॉलीगन इज मोर देन 180 डिग्री देन इट इज नॉन एज कॉनकेव पॉलीगन। इसका मतलब है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल ऐसा हो जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब वो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या था कि हर एंगल 180 डिग्री से कम का होना चाहिए, और कॉनकेव पॉलीगन में क्या है कि कम से कम एटलीस्ट वन एंगल ऐसा होना चाहिए जो मोर देन 180 डिग्री हो, जिसकी वैल्यू अगर हम मेजर करें तो वो क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमने लिया है इस तरह से, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से कम होगी। क्यों, क्योंकि इस तरह जा रहा है, इस तरह जाता तो क्या होता, 90 डिग्री। अगर इस तरह जाता तो ये क्या है, 90 डिग्री से कम का है। और हमने क्या बोला था कि 180 डिग्री कैसा होता है, इस तरह का होता है, 180 डिग्री इस तरह से होता है, लेकिन ये एंगल क्या है, ये इस तरह से है, इस तरह से, तो ये 180 डिग्री से भी ज्यादा जा रहा है। तो बी पर जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। और हमारे डेफिनेशन से हमने क्या समझा था कि कोई भी एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। अब सेकंड है, इसमें भी बी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि ये भी इस तरह से बन रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो 180 डिग्री से ज्यादा होते ही वो क्या आ जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखो ये इस तरह से है, ये अंदर की साइड बन रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो सकती है लेकिन 180 डिग्री तक नहीं जाएगी। और ये वाला जो है वो इस तरह से है, बाहर की साइड जो एंगल बन रहा है इसमें, इस तरह से बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से ज्यादा जा रहा है,
180 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, तो ये भी किसमें आ जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन में। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल, मतलब जितने भी साइड्स हैं उसकी और जितने भी उसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो सारे आपस में इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम नाम देते हैं रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन विच हैज ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, देन इट इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रेगुलर पॉलीगन। जैसे एग्जाम्पल से देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है, मतलब ये तीनों एंगल क्या है? सेम है। और जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या है? ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, ठीक है? एंगल्स तो सेम हो गए। अब है यहाँ पे कि एंगल्स के साथ साथ और क्या सेम होता है? साइड सेम होती है। अगर साइड सेम है तो इस तरह का साइन लगाते हैं, मतलब ए बी साइड्स एसी के इक्वल है और बीसी के इक्वल है। ये तीनों साइड्स ए बी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एसी, ये आपस में इक्वल है, तो इस टाइप के पॉलीगन्स को हम नाम देते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके चार साइड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसमें यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और डी वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और ये जो साइड्स हैं, ए बी साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम नाम देते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें रेगुलर पॉलीगन की कोई भी क्वालिटी ना हो, मतलब ना तो इक्वल सारे जो साइड्स है वो ना तो इक्वल हो, ना ही सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन। जैसे अ पॉलीगन विच इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर पॉलीगन की क्वालिटीज को शो ना करता हो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन। जैसे ये है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी यहाँ पे क्या बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल, तो क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। तो इसके जो सारे एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने की साइड आपस में इक्वल होती है, तो इसकी ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया। लेकिन क्या ए बी साइड जो है ए डी के इक्वल है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो ही इक्वल होती हैं, ए बी और ए डी ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, ए बी और ए डी जो है आपस में इक्वल नहीं होंगी। और होना क्या चाहिए था रेगुलर पॉलीगन में? क्या होना चाहिए था? कि सारे जो साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल है। अब यहाँ देखो, इसमें एंगल्स तो आपस में इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, और रेगुलर पॉलीगन में क्या कहते हैं कि साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन। अब है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है? अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है, ये क्लोज शेप है, ठीक है? क्या है ये? क्लोज शेप है। इसमें ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और डी ए साइड, चार साइड है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गया? फोर। नंबर ऑफ साइड्स फोर। ए और सी दो पॉइंट है, इनके बीच में हमने क्या बनाया है? एक डायगोनल बनाया है, ठीक है? ये एसी क्या है? एक डायगोनल है। ये डायगोनल इसको कितने ट्रायंगल्स में तोड़ रहा है? कितने ट्रायंगल्स में? दो। यहां से क्या बन रहे हैं? दो ट्रायंगल्स, ठीक है? दो ट्रायंगल्स। जैसे ये है, इसमें कितनी साइड्स है? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। कितने नंबर ऑफ साइड्स? फाइव। नंबर ऑफ साइड्स आ गई यहाँ पे फाइव। अब है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? एक ये ट्रायंगल बन गया,
एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, तीन। अब ये तो क्या है, इजी शेप है, मतलब इनको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप आ जाए जिसमें आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि कितने इसमें ट्रायंगल्स बनेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यहीं से बनाएंगे कि नंबर ऑफ या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ एन साइड्स, मतलब अगर एन साइड्स होंगी तो ट्रायंगल्स कितने बनेंगे उसमें। यहाँ पे है अ पॉलीगन विथ एन साइड्स, अगर कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसकी साइड्स एन हो, मतलब एन की वैल्यू क्या हो सकती है, तीन से ज्यादा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हम पॉलीगन किसको बोलते हैं जिसकी तीन साइड्स है तीन से ज्यादा हो। तो एन की वैल्यू तीन से स्टार्ट होगी, थ्री से स्टार्ट होगी, कितनी भी हो सकती है। तो अ पॉलीगन विथ एन साइड्स, कितनी भी साइड्स हो उसमें तीन से ज्यादा, तो उसके हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू, मतलब जितने नंबर्स होंगे उसमें से माइनस टू कर दो, वो क्या आ जाएंगे, ट्राइंगल। जैसे यहाँ देखो इसमें साइड्स कितनी थी, फोर थी, अब यहाँ से हमने साइड कितनी है, फोर है, तो एन की वैल्यू हमने फोर पुट कर दी, माइनस टू इज इक्वल टू टू। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आ गए इसमें, टू। इसमें भी हमने यहाँ से देखा था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें टू ही आ रहे हैं। इसमें देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स, फाइव, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करो, एन की वैल्यू हमने फाइव पुट कर दी, एन माइनस टू क्या आ जाएगा, थ्री। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें तीन बन रही थी, तीन ही बन रहे, वन टू और थ्री, ठीक है। तो इस तरह हम अगर हमें साइड्स निकालनी हो और हमें ट्राइंगल्स दे रखे हो तो भी हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर हमें ट्राइंगल्स निकालने हो और साइड्स दे रखी हो तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एन माइनस टू। किसके लिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए। देखो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो उसके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमें साइड्स दे रखी हो और हमें उसके ट्राइंगल निकालने हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन माइनस टू का, और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला पुट कर लिया यहाँ पे कि एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, किसका होगा ये फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइडेड, ठीक है, जिसमें एन साइडेड हो पॉलीगन में और उसके हमें इंटीरियर एंगल्स निकालने हो कि उसके इंटीरियर एंगल्स क्या बनेंगे। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला यूज किया है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वो कैसे आया वो मैंने बता दिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, यहाँ से भी क्या आएगा, सेम यही चीज आएगी। तो आपको इस फॉर्मूले को लेकर चलना है अगर आपको पॉलीगन के इंटीरियर एंगल पूछे, जैसे आपको पूछ ले कि नंबर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन के इंटीरियर एंगल पूछ ले, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, पांच साइड होती है, तो n बराबर क्या लिखेंगे आप, पांच, क्योंकि n हमने किसके लिए है, साइड्स के लिए, तो n इज इक्वल टू 5 किसमें, पेंटागन, पेंटागन के लिए, अगर पेंटागन है तो यहाँ पे साइड आ जाएगी n, तो n इज इक्वल टू 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 5-2 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री क्या आएगा, 540, मतलब उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा 540। और अगर आपको पूछे कि उसके ईच एंगल्स, मतलब हर एंगल का वैल्यू क्या है, तो पेंटागन में कितने होते हैं, पांच, तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, क्या बनेगा यहाँ पे, 108 डिग्री। मतलब कोई पेंटागन है इस तरह से, ठीक है, कोई पेंटागन है इस तरह से, इसके हर एंगल का अगर आप मेजर करोगे तो क्या आएगा, 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री। कैसे आया, यहां से हमने एन की जगह 5 पुट कर दिया क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती है। यहाँ से फॉर्मूले पुट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन 540 डिग्री, साइड्स कितनी होती है, 5 साइड, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, क्या आया, 108 डिग्री जो है वो उसके एक एंगल का मेजर है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ से हम देखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इतनी देर हमने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, और अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लिया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसका हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकाल रहे हैं, तो हम किस तरह निकालेंगे। तो ये हमने एक शेप ली है जिसमें ए बी सी, ये तो क्या है इंटीरियर एंगल, ए बी सी ये तो है इंटीरियर, ठीक है इंटीरियर एंगल हो गए, और एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री, थ्री है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ये हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो शेप के अंदर बने, और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो शेप के बाहर बने या जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, वो क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या आता है। तो यहाँ से देखो ये क्या है एंगल वन और ये एंगल ए, एंगल ए वन प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपने लीनियर पेयर में पढ़ा था कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बन रहे हो, चाहे दो चाहे तीन कितने भी एंगल्स बन रहे हो, उन सबका सम क्या आएगा, उन सबका सम 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो ये बी एंगल है और ये एंगल टू है, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, बी और टू इन दोनों का आप सम करोगे तब भी क्या आएगा 180 डिग्री पर, क्योंकि ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं, और आपने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उन सबका सम क्या आता है 180 डिग्री। उसी तरह एंगल सी और एंगल थ्री का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में हमने एंगल फर्स्ट और ए का सम किया था, सेकंड में हमने सेकंड एंगल और बी का सम किया था, और थर्ड में हमने एंगल थ्री और एंगल सी का सम किया था। अब हम इन तीनों का सम करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री का, जब हम सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये तीनों क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां से क्या आया, हमने ये पुट कर दिया वन प्लस ए ये आ गया, फिर सेकंड में हमने पुट किया सेकंड प्लस बी, थर्ड में हमने पुट किया कि एंगल थ्री प्लस सी, और इक्वल में हमने क्या पुट किया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये इक्वेशन हमारी बन गई, यहां से ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे कि वन टू थ्री इनको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, और एंगल ए बी सी ये क्या है इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन तीनों का टोटल किया हमने, क्या आया हमारे पास 540 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखो, आपने अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या ये पुट कर सकते हो कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए बी सी क्या है इंटीरियर एंगल्स है, और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमने पुट कर दिया 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचे हैं एक्सटीरियर एंगल्स बचे हैं, इस 180 डिग्री को 540 में से सब्ट्रैक्ट किया तब क्या आ गया हमारे पास 360 डिग्री, और ये क्या थे ये एक्सटीरियर एंगल्स थे। तो यहां से हमारा आंसर क्या आया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री, जितने भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबका सम 360 डिग्री आता है। ये हमने इस इक्वेशन से निकाल कर भी देखा कि ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये कोई शेप दे रखी है जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं 89, 92, 20, 85 और x, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो अभी हमने पढ़ा था कि
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सबका सम कर दो, 89 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स थे उन सबका हमने सम कर लिया, और इनका सम क्या आना चाहिए 360 डिग्री। वो हमने अभी जस्ट फॉर्मूले से देखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जब आप इन सबका सम करोगे, जब आप इन सबका सम करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 286 डिग्री प्लस एक्स। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, और इधर क्या दे रखा है इक्वल के आगे 360 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 286 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 74 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 74 डिग्री। अब जब आप इन सबका टोटल करोगे तो क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। यहां से इन चारों का, इन चारों का सम क्या था 286 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई 74 डिग्री, इनको प्लस कर दो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। इन सब का सम 360 डिग्री आ रहा है, मतलब हमने जो एक्स की वैल्यू निकाल ली है 74 वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़े, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है वो पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।